उमक्षस्रग परशुं गदेषु कुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाससुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमहां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा विषय तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का परिवर्तन। देखिए, बृहस्पति महाराज इस वक्त ग्रहों के योगा योग के साथ परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 6 सितंबर को बृहस्पति महाराज परिवर्तन करते करते अपनी मार्गी गति से वक्र गति में हो जाएंगे और वक्र गति होकर जिस प्रकार से 4 महीने तक वक्र स्थिति में रहेंगे। 6 तारीख को बृहस्पति महाराज सुबह 4:27 पर 21 अंश की जब होंगे, जो भरणी के करीब करीब तृतीय चरण में चल रहे होंगे, तब वक्र स्थिति में जाएंगे और 31 दिसंबर तक वापस वक्र गति की तरफ रहेंगे और करीब करीब 10 अंश वापस जाएंगे। ये 10 अंश वापस जाकर 11 अंश की जब हो जाएंगे वक्र गति चलते चलते, तब पुनः मार्गी होंगे 31 दिसंबर को शाम को करीब करीब 4:31 पर, और उस वक्त अश्विनी के चतुर्थ चरण पर वहाँ विद्यमान होंगे। तो ऐसे में ये बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यदि हम तुला राशि के संबंध में बात करें तो तुला राशि के हिसाब से बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो चतुर्थ के मालिक, सुख भाव के जो विशेष तौर पर तृतीय भाव के मालिक माने जाते हैं। तृतीय भाव जो भाव है वो मित्र का भाव है, हिम्मत का भाव है। चतुर्थ तृतीय भाव के मालिक माने जाते हैं और तृतीय भाव में बृहस्पति मालिक होने के कारण से वहाँ से संबंध बहुत विशेष तौर पर आता है, क्योंकि बृहस्पति इस वक्त आपके जहाँ चल रहे हैं, आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, मेष राशि में चल रहे हैं, वहाँ से इस भाव को देख भी रहे हैं। और ऐसे में वक्र गति में जब प्राप्त करेंगे तो क्या क्या आपके जीवन में लाभ और हानि के योग बनाएंगे, वो सब भी हम आपको समझ लेना चाहिए। इसके साथ साथ बृहस्पति महाराज छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव रिपु भाव है और शत्रु रोग का भाव माना जाता है, वहाँ के भी स्वामी होने के कारण से उसका प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। और इस वक्त राहु के साथ बृहस्पति का योग चल रहा है। जब से बृहस्पति मेष राशि में आए वैसे ही पहले से वहाँ पर राहु विद्यमान थे। आपके जो विशेष तौर पर बात कर लें, सप्तम भाव है आपका, स्त्री का भाव है आपका, विशेष तौर पर जीवन साथी का भाव माना जाता है और विशेष तौर पर वहाँ पदार्पण करने के कारण से बृहस्पति महाराज पूरी तरह से राहु के साथ होने के कारण से शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। अन्यथा बृहस्पति सप्तम भाव में आने के बाद तो बहुत प्रकार से उन्नति के योग देता है, कई प्रकार से आगे बढ़ने के योग देता है, लेकिन बृहस्पति महाराज राहु के साथ दृष्ट होने के कारण से कई प्रकार से शुभ फल जो पूरी तरह से प्राप्त होने के योग थे वो नहीं बन पा रहे थे। ऐसे में कई जगह गाड़ी फंस जाती थी, ऐसा लगता था कि बिल्कुल काम बन रहा है और हो नहीं पा रहा था। सारा का सारा बृहस्पति का शुभ प्रभाव जो था वो राहु महाराज शून्य करते चले जा रहे थे। अब इस दौरान जब बृहस्पति वक्री होंगे तो एक तरह से आपके लिए मैं कहूँगा आने वाले समय की बहुत अच्छी सूचना लेके आए हैं बृहस्पति वक्री होना। ठीक है, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये हो रही है कि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो 10 अंश पीछे जा रहे हैं, और जब 10 अंश पीछे जाएंगे तो और ऐसे में राहु का परिवर्तन भी हो जाएगा। अब इससे करीब करीब 2 महीने बाद 30 अक्टूबर को राहु महाराज जो बृहस्पति के साथ मेष राशि में चल रहे हैं वो हटकर पीछे यानी छठे भाव में चले जाएंगे और फिर बृहस्पति महाराज पूरी तरह से अकेले होकर वहाँ आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने के योग बनाएंगे। जब बृहस्पति महाराज यहाँ पर उदय होंगे, विशेष तौर पर हम बात करें कि मार्गी होकर यहाँ पर स्थित होंगे, तब आगे बढ़ने के अद्भुत अवसर आपकी राशि के अनुसार से बनेंगे। बहुत सुंदर शुभ फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं और ऐसे में बहुत प्रकार से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से कार्य के लाभ होने के योग बन सकते हैं, यानी वर्चस्व फैलने के योग बन सकते हैं। तो हम कहेंगे कि बृहस्पति जब 2 महीने बाद जब राहु के ग्रास से बाहर आ जाएंगे तो इन अंशों पर वक्री होने के बाद जब पुनः मार्गी होंगे तो वह आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो बहुत सुंदर तरीके से उस समय में आपके लिए इन सब भावों का पूर्ण लाभ प्राप्ति करने के योग बनाएंगे। जो लगता है पिछले करीब करीब 4-6 महीनों में बृहस्पति का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हुआ, लग्न को सामने देखने के बावजूद भी बृहस्पति जिस परिवर्तन थी, उम्मीद थी कि बृहस्पति यहाँ आएंगे तो बहुत सुंदर तरीके से कई क्षेत्रों में हमें लाभ देने के योग बनाएंगे, तो वहाँ उतना लाभ नहीं दिया बृहस्पति ने। उसका मुख्य कारण क्या था कि लग्न में केतु का प्रभाव और सप्तम भाव में राहु का प्रभाव चल रहा था। तो ऐसे में बृहस्पति को ठीक करने के लिए कई सारे उपाय हैं, उनको आपको लगातार करते रहने की जरूरत है, और नहीं तो बृहस्पति यहाँ पर आके एक सीधी तरीके से एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि जिन समस्याओं को आपने सोचा भी नहीं था
वो समस्या लाने के योग दे सकते हैं बृहस्पति महाराज। ये बृहस्पति महाराज जो वक्री होने जा रहे हैं ये कई प्रकार के कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तुला राशि वालों को बड़ा सावधानी के साथ समझ लेना चाहिए। कहा जाता है ना कि जिस क्षेत्र में आपने काम किया सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, तो वो प्रभाव ये बृहस्पति उत्पन्न कर सकते हैं। तो बहुत सोच समझ कर आपको कार्य करने की ज़रूरत है, एक बात का ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। कोई सांस संबंधी रोग वाला व्यक्ति की जब बहुत ज़्यादा उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में बृहस्पति महाराज सांस संबंधी रोग बढ़ा सकते हैं। दमे इत्यादि के रोगों से व्यक्तियों से जो जिनको ग्रसित है उनको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इस राशि से संबंधित जिन लोगों को सांस की बीमारी है, ऐसे में इन 4-5 महीनों में वो समस्याएँ थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि चेंज ऑफ सीजन भी है और कई प्रकार समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ खास उपाय लगातार करते रहने चाहिए। जिनको शुगर नहीं है वो कम से कम एक डली गुड़ की केसर के साथ यदि खा लें तो बहुत अच्छे तरीके से रात को सोने से पहले उसका सेवन करना आपके लिए कई प्रकार से, जिनको शुगर नहीं है उनके लिए उपाय बता रहे हैं, तो उनको करने से बड़ा लाभ हो सकता है, कष्ट होने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में एक बात का ध्यान और रखिएगा, कई आपने हमारे जीवन में कई प्रकार के फक्कड़ किस्म के लोग हमारे साथ रहते हैं, हमें पता होता है इनका ना घर ना बाहर। ऐसे में ये ऐसे लोग जो है वो आपको कष्ट देने के योग बना सकते हैं, उनसे बच के रहने की आपको ज़रूरत है। जो बहुत ज़्यादा फक्कड़ किस्म के लोग हैं, आवारा किस्म के लोग हैं, उनका साथ आपको इस समय में एक सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये 4-5 महीने जो हैं उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। कई प्रकार हमारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे मिलने वाले होते हैं जिनका ना ठौर ना ठिकाना, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा वो आपको कष्ट पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपका जीवन साथी का साथ आपके लिए बहुत बरकत देने वाला है, तो ऐसे कोशिश ये करें अपने जीवन साथी का साथ लेते हुए, उनका सहयोग लेते हुए, उनके साथ संबंध अच्छे रखते हुए यदि आप काम कर पाएँ तो बहुत अच्छा आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकता है। ऐसे में एक उपाय और करने का प्रयास कीजिए। उपाय बता रहे हैं आपको, उपाय करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। बड़ा सुंदर उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। छोटी कन्याओं का पूजन, छोटी कन्याओं को हरे वस्त्र का दान करना, गौशाला में जाकर पालक का दान करना, ये उपाय विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त तुला राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर निकल के आता है, तो इसको अवश्य आप यथाउचित भाव से करने का प्रयास कीजिए। छोटी कन्याएँ हैं उनके निमित्त आपने हरे वस्त्र दान कर दिए, गौशाला में जाके पालक कभी कभी खिला दिया, या साबुत मूंग भिगोकर गौशाला में पहुंचा दी। बुधवार के दिन ये उपाय करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला योग बन सकता है। इन चीज़ों को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। एक उपाय और बता देते हैं, रूहानी उपाय है, बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ दे सकता है। कभी आपके क्षेत्र में बारिश हो और विशेष तौर पर धूप भी निकल रही हो, ऐसे में थोड़ी देर उस वर्षा में घूम लीजिए। यानी वर्षा जब हो रही हो, थोड़ी सी आमतौर पर हल्की बछार भादों में होती है, तो ऐसे में जब भी इन 3-4 महीनों में हल्की हल्की बारिश हो तो थोड़ी देर के लिए उसमें उस बारिश के पानी में नहा लेना आपके लिए एक बड़ा सुंदर उपाय करने वाला रहेगा। तो इसको आप कर बहुत सुंदर तरीके से अपने ग्रहों के प्रभाव को शून्य कर सकते हैं, अशुभ प्रभावों को शून्य कर सकते हैं और लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं। बड़ा सुंदर तरीका है। इन सब चीज़ों को करते हुए समझते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए बृहस्पति महाराज का ये परिवर्तन जो है ये आप समझ लीजिए, ये किन किन क्षेत्रों में नुकसान देने वाला है वो हमने आपको बताया, लेकिन हमारी गणनाएं एक बात में बहुत आश्वस्तता प्रदान करती हैं हमको समझते हुए कि जब बृहस्पति महाराज पुनः वक्री होकर मार्गी होंगे, अभी तो वक्री हो गए हैं 6 सितंबर से, और उसके बाद पुनः जब मार्गी होंगे, जब ये मार्गी होंगे 31 दिसंबर के बाद, उसके बाद 4-5 महीने करीब इस प्रभाव में राशि में रहने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक तो बृहस्पति के ने विशेष तौर पर अभी 20 अंश तक जो रात यात्रा पार करी है वो राहु के साथ पार करी है, उसमें से 10 अंश वापस जाएंगे, 11 अंश तक जाएंगे इन 4 महीनों में। ये जो 10 अंश वापस फिर जनवरी के बाद पूरे करने वाले हैं, जिन चीज़ों में कुछ कमी रह गई थी, यानी बृहस्पति का अशुभ प्रभाव जो था उसको शुभ करने का मार्ग बृहस्पति नहीं ढूंढ पाए थे, अब उन सब भावों में बृहस्पति शुभ प्रभाव उत्पन्न करने के योग जनवरी के बाद बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से बनाने वाले हैं। ऐसे में आपको बहुत अच्छे से उस समय की तैयारी करते हुए रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति पूर्ण शक्ति में जब मार्गी होकर आएंगे 31 दिसंबर के बाद से, तो बहुत कई प्रकार के लाभ आपके जीवन में देने के योग बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आप कार्य करने का प्रयास कीजिए, बड़ा कल्याण का अवसर आपके समक्ष आने वाला है। और इसके अलावा भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।